नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों इंडियन आर्मी अग्निवीर का एडमिट कार्ड जो यहां पे जारी हो चुका है, अब आप लोग जो है इनका एडमिट कार्ड बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है आज के इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से उनको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ए टू जेड प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे और आपको एक प्रॉब्लम आएगा एंड में, वो कि पीडीएफ जो आप डाउनलोड करोगे उनमें एक पासवर्ड लगा रहता है। पासवर्ड उसमें क्या डालोगे, आपका एडमिट कार्ड जो वो ओपन हो जाएगा, पीडीएफ फाइल जो आप डाउनलोड करोगे उसमें एक पासवर्ड लगा रहता है, वो पासवर्ड आपको डालना होता है, उसके बाद ही आपका पीडीएफ जो है वो ओपन होता है जिसमें आपका एडमिट कार्ड रहता है। क्या पासवर्ड डालना है आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। एंड दोस्तों चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों ले चलते आपको एमपीएससी स्क्रीन पर, वहां पर ले जाकर हम आप लोग के साथ ए टू जेड जानकारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना होगा आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी, केवल इतना डाल करके दोस्तों आप लोग को सर्च कर देना होगा। जैसे आप देख रहे होंगे, आप ये चीज़ डाल करके सर्च करोगे, फर्स्ट वाला लिंक आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कुछ दिख जाएगा इस प्रकार से, कैप्चा को आपको फिल कर देना है। कैप्चा दोस्तों इसमें जो है थोड़ा ध्यान से आप लोग को फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपल सा इंटर पे क्लिक कर देना है एंड आपको इस प्रकार से वेबसाइट जो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर में अग्निपथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लॉगिन एंड अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप लोग का यूजर आई डी और पासवर्ड फिल करना होता है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप लोग को मिला था वो वाला यूजर आई डी और पासवर्ड इसमें केवल फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को डाल देना है। कैप्चा दोस्तों इसमें सही से फिल कीजिएगा, अन्यथा बार बार ये कैप्चा का प्रॉब्लम बताएगा, तो आप लोग सही से एक बार कैप्चा को फिल करके उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, आपका लॉगिन जो है 100% सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद इस पर यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के नीचे में जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाने के बाद आपको नीचे में जैसे देख सकते हो इसका प्रिंट का ऑप्शन जो वो दे दिया है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है नीचे में कुछ इस प्रकार से डिटेल्स ओपन हो जाएगा जो कि आपका एडमिट कार्ड ही होगा। अब थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका पीडीएफ जो 100% डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों पीडीएफ को आपको ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग पीडीएफ ओपन कीजिएगा तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, जो आप अभी यूजर आईडी फिल किए हो अपना आईडी में वही आपको यूजर आईडी इसमें फिल कर देना, यानी आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर आईडी है, वही आपका पासवर्ड भी है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद जो आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपका एडमिट कार्ड जो फाइनल सक्सेसफुल यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको हम प्रिंट आउट करके निकाल लेते हैं, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड करके अपना मोबाइल से रख सकते हैं या फिर आप जैसे आपका इच्छा चाहे आप वैसे इनको कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड जो है उसको रीसेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग का हेल्प कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो पासवर्ड आप लोग रीसेट कर लीजिएगा, आपके ईमेल पे जो नया पासवर्ड आएगा उसी से आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।